नमस्कार दोस्तों, S4 सीखो में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम आपको गले काटना बताएंगे कि किस तरीके से आपको सूट के गले काटने हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये बुकरम ले लेनी है 9.5 इंच की, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद इस पर एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने पहले से लगा रखी है इस पर सिलाई, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो दोस्तों, हमें ये 5.5 इंची ब्रॉडिंग के गले चाहिए, तो हम यहाँ पे इस पर 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ ऊपर भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और दोस्तों, इसको हम बराबर कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चौरस तैयार हो गया है। इस चौरस में ही हमारे को शेप देनी है, जो भी देनी है। तो यहाँ हमारा 6 इंची गला है, तो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, ये देखिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी निशान लगाने हैं। तो 6.5 पे इस वजह से लगाया कि 0.5 इंची इसमें ऊपर मार्जिन में दबेगा, तो आपको ये वाली शेप देनी है गले की। तो इस तरीके से आप ये दीजिए शेप। तो दोस्तों, बस एक चीज का ख्याल रखिए, कोई भी आप शेप दे रहे हैं तो बस आधा गला आप देख लीजिए, उस आधे गले के हिसाब से आपको शेप देनी है। ये नहीं आप पूरा गला देख रहे हैं फिर दोनों तरफ से उठा रहे हैं, तो सिर्फ आपको आधे गले पे देखना है, आधा गला, आधे गले की शेप कैसी है, उसी हिसाब से आपको निशान लगाने हैं। तो दोस्तों, बहुत आसानी से आप जो है गले काट सकते हैं घर बैठे। बाजार से आप रेडीमेड लेके भी आ जाएंगे गले, लेकिन आपके मनपसंद नहीं होंगे और वो थोड़े महंगे भी पड़ेंगे। यहाँ पे आप अपने मनपसंद के हिसाब से जैसे भी गले आपको चाहिए उस हिसाब से आप काट सकते हैं, चाहे नेट पे देख के, चाहे जैसे भी देख के, बस सिर्फ देख के ही आप गले काट सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा गला कट चुका है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको काटना है। बस आपको एक साइड का बिल्कुल पूरी शेप देख लेनी है किस तरीके की है, उस हिसाब से आपको गला काटना है। तो दोस्तों, अब हम आपको पान गला काटना बताएंगे कि पान गला कैसे काटता है। तो दोस्तों, ये मैं काट के इसको निकाल ले दे रहा हूँ, इसको मैं आप बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से उसमें भी गला निकलेगा। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। इसको हम सीधा कर देंगे। तो दोस्तों, बस आपको सबसे पहले इस तरीके का चकोर बॉक्स टाइप का बना लेना है, और उसी के अंदर ही आपको गला बनाना है, उससे बाहर नहीं जाना आपको। उससे बाहर अगर जाएंगे तो आपका गला खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, आधी शेप इसकी देख लीजिए, कोई भी गला है तो आधी शेप देखिए, उस हिसाब से आपको इस पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमारा 6 इंची गला है, तो 6.5 पे निशान लगा देंगे और इसको हम काट देंगे। दोस्तों, अगर आपका 19-20 गला हो जाए कोई, अगर आपको शेप में थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है, तो आप दोबारा से उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, पहले खोल के देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत लगे इसको में, अगर कोई दिक्कत है, तो आप थोड़ी सी इसमें शेप दे सकते हैं इस तरीके से। तो आपकी शेप प्रॉपर आ जाए जैसी आपको शेप चाहिए। तो ये हमारा कट चुका है गला, अब हम यहाँ पे इसको काट देंगे। इसको बराबर करके हम पीछे से भी काट देंगे। दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी चौड़ा रखना चाहते हैं पीछे की साइड से इसकी चौड़ाई। तो ये हमारे दो गले कट चुके हैं, अब हम आपको तीसरा गला काटना बताएंगे। तो ये देखिए, अब हम मटका गला काटना बताएंगे आपको। तो मटका गला किस तरीके से कटता है, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। तरीके से आपको 3.25 पे निशान लगा लेना है, और इसको स्केल की मदद से सीधा कर देना है।
दोस्तों सबका तरीका सेम ही है, बस आपको शेप पे नज़र रखनी है किस तरीके की शेप है उस गले की। तो ये देखिए, ये हमने आपसे मटके की शेप दे दी और यहाँ से राउंड कर दिया मटके टाइप। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिए मटके गले के, अब हम इसको काट देंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस चौरस जो स्क्वायर बना हुआ है उसी के अंदर ही मैं गला बना रहा हूँ अपना, उसके बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ से थोड़ी सी हम शेप दे देंगे इसको। देखिए हमारा गला कट चुका है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इसको काट देंगे। इसी तरीके से आपको काट देना है। दोस्तों वो जो हमने सिलाई लगाई है उसके कई फायदे हैं, आपकी बुकरम आगे पीछे नहीं जाएगी, आप गले काटेंगे तो बिल्कुल बराबर करके बैठी रहेगी। तो ये देखिए हमारा दूसरा गला भी कट चुका है, ये हमारा तीसरा गला था और अब हम आपको एक गला और काटना बताएंगे। ये देखिए अब हम इस शेप का गला काटना बताएंगे आपको। ये देखिए हमने 3.25 पे निशान लगा दिया है, यहाँ से हम सीधा कर देंगे इसको। अब आपको शेप देनी है इसको, ये हम 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है, अब आपको शेप देनी है। देखिए आप उल्टा देखिए, मैंने इसको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसी शेप देनी है इसी तरीके से, ये देखिए, और यहाँ से भी आपको इसी तरीके से आपको शेप देनी है। दोस्तों चौक के निशान बिल्कुल प्रॉपर नहीं लग पाते, तो आपको कटिंग करते टाइम भी आपको देखना है कि अगर 19-20 हो रहा है तो आप अपने हिसाब से कैंची से सेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से आपको काट देना है इसको। ये देखिए हमारा गला कट चुका है, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं एक कैसी शेप कटी है इसकी। दोस्तों इसकी शेप ठीक कटी है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से चौड़ाई इसकी कम लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे। तो देखिए हमारा गला कट चुका है, बिल्कुल एकदम सेम है इसकी शेप, और पीछे से हम बराबर करके इसको काट देंगे। दोस्तों पीछे से आप बिल्कुल उसी शेप में काटिए जिस जैसे आपका आगे से कटा हुआ है, तो आप तुरपाई करेंगे तो फिर फिनिशिंग से आएगा आपका गला लगने के बाद। तो दोस्तों ये हमारे 4 गले कट चुके हैं, अब ये हम आपको 5वां गला बताएंगे कि किस तरीके से काटना है। तो देखिए ये हमारा बचा हुआ पीस था, तो अधिकतर लोग इसको फेंक देते हैं, तो मैं आपको इसमें भी गला निकालना बताऊंगा, इसमें किस तरीके से आपको गला निकालना है। ये देखिए यहाँ से जितना है इतना ही आपको दूसरी साइड निशान लगा लेना है और इसको बराबर कर देना है स्केल की मदद से, और फिर आपको वही चौरस बना लेना है स्क्वायर, तो उस स्क्वायर के अंदर आपको निशान लगा देना है। तो ये हम स्वीट हार्ट गला बना रहे हैं,
तो स्वीट हार्ट गला हम इस तरीके से बनाएंगे, 6.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको काट देंगे। तो दोस्तों हमने जो सिलाई लगाई थी उसका ये फ़ायदा होगा कि अब हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है गले में, हमारा गला पहले से ही जोड़ लगा लगाया निकलेगा। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सेम शेप में कट गया है स्वीट हार्ट गला। प्रॉपर हमारे सारे गले कट चुके हैं, तो हम एक गला और बताते हैं आपको कि गोल गला और निकाल के बताएंगे हमारे को, ये बची हुई हमारे पास बुकरम है, तो एक गोल गला और बताते हैं आपको। तो यहाँ आपको 3.5 पे निशान लगा देना है और फिर इस साइड से आपको नापना है और ऊपर भी इसी साइड से नाप के जितना आ रहा है बराबर कर देना है। अब इसके अंदर आपको शेप दे देनी है, स्क्वायर के अंदर आपको शेप दे देनी है गोल गले की। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको शेप देनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो देखिए ये हमारा गला ये भी कट चुका है, ये देखिए प्रॉपर शेप में कटा है हमारा गला। तो इसी तरीके से आप काटिए।